विकास के प्रवाह में बदलता उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में प्रगति की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। ये परिणाम है उत्तर प्रदेश सरकार के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नीतियों का। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं विगत 5-6 वर्षों में सिविल एविएशन के क्षेत्र में डेवलप हुई हैं और खासतौर पर उसमें 17 नए एयरपोर्ट वर्तमान में हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। बहुत सकारात्मक सहयोग भारत सरकार का है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर पुरी जी के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन निदेशालय की स्थापना वैसे तो वर्ष 1974 में की गई थी, पर कुछ वक्त पहले तक विभाग का उद्देश्य राजकीय विमानों के परिचालन तक ही सीमित था। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पदभार संभालते ही प्रदेश के हर कोने में एयरपोर्ट के विकास का एक नया पथ तैयार करने के लिए संकल्प लिया। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सहित हर मंडल मुख्यालय पर एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। अयोध्या, आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती एयरपोर्ट लगभग तैयार हैं। वहीं चित्रकूट व सोनभद्र एयरपोर्ट के लिए भूमि क्रय कर ली गई है एवं कार्य काफी तीव्र गति से चल रहा है। वर्तमान सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में ही प्रयागराज, कानपुर, हिंडन व बरेली एयरपोर्ट तैयार हो चुके हैं। अयोध्या में 600 एकड़ भूमि क्रय कर बड़ा एयरपोर्ट बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मेरठ और झांसी एयरपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। सुल्तानपुर, खीरी, गाजीपुर और ललितपुर में मौजूद प्रदेश सरकार की हवाई पट्टी को भी और विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ सरकार के आते ही हवाई सेवा में बड़े विस्तार हेतु अवस्थापना विकास से जुड़े अनेक बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह है भारत सरकार की उड़ान योजना तथा उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017, जिसमें प्रदेश के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने की दिशा में अब तेजी आई है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RAC के अंतर्गत नए एयर रूट पर विमान संपत्तियों को प्रोत्साहन देकर एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आजादी के बाद में कुल मिला के यहाँ 4 एयरपोर्ट फंक्शनल हो पाए 2017 तक, और 2017 के बाद में मैंने बताया कि 4 और एयरपोर्ट नए फंक्शनल हुए, लेकिन जिन एयरपोर्ट पर काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेश के जो मुखिया हैं वो हर आम आदमी के जो सपने हैं उनमें पंख लगाना चाहते हैं, और इसलिए हर मंडल में लगभग एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। वर्ष 2017 में जहां सिर्फ 4 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा कुल 25 गंतव्य स्थान से जुड़े थे, वहीं आज प्रदेश में 7 एयरपोर्ट कार्यशील हैं। प्रयागराज, कानपुर और हिंडन से उड़ानों की शुरुआत के साथ आज प्रदेश के 63 गंतव्य स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसमें 51 घरेलू एवं 12 अंतर्राष्ट्रीय शहरों हेतु उड़ानें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार चीन को पछाड़कर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही है। इसके पूरा होने पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। रोजगार और व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही अन्य निवेशक भी उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे। नागरिक उड्डयन विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर गौतम बुद्ध नगर को 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। 1334 हेक्टेयर में तैयार होने वाले ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित करने की जिम्मेदारी स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को दी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ गठित यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एयरपोर्ट का निर्माण, विकास व संचालन करेगी। विभाग द्वारा निरंतर VIP एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को अल्प सूचना पर हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही नागरिक उड्डयन विभाग एयर एम्बुलेंस एवं वायुयानों की चार्टर सेवाएं प्रदान करने पर भी विचार कर रहा है।
उन्नत और आधुनिक विमानों से सुसज्जित वायुयानों एवं हेलीकॉप्टरों के अनुरक्षण के लिए कुशल एवं दक्ष अभियंताओं की टीम बनाई गई है। उत्तर प्रदेश का बेड़ा देश में किसी भी राज्य सरकार के बेड़े से ज्यादा बड़ा है, जिसमें एक हॉकर 2B अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर शामिल है। हॉकर 900XP, सुपर किंग एयर B-200, किंग एयर B-200GT और प्रमुख हेलीकॉप्टर हैं बेल 412EP, ऑगस्टा A-109S, बेल 412EPI। नागरिक उड्डयन विभाग उत्तर प्रदेश ने एविएशन के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर अपना स्थान बना लिया है। ये परिणाम है योगी आदित्यनाथ के थिंक ग्लोबल एक्ट ग्लोबल अप्रोच का।